आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। लक्सर में आंदोलित श्रमिकों का पारा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जीके टायर और लक्सर शुगर मिल की लेबर यूनियन ने धमकी दी है कि यदि दो दिन के भीतर श्रमिकों के मसले को हल नहीं कराया गया तो आगामी 10 अक्टूबर को सुल्तानपुर में होने वाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैली में हजारों श्रमिक हंगामा करेंगे और रैली को आयोजित भी नहीं होने देंगे। चाहते हैं कि हमारी भी यूनियन है, शुगर फैक्ट्री बहुत दो चीनी मिले हैं, हमारी सबसे बड़ी यूनियन है। हम इधर कंधा से कंधा मिलाकर इनका पूर्ण सहयोग देंगे और इन्हें बता दिया गया है कि हम लोग जो सीएम साहब की 10 तारीख में है हम उसकी रैली में घुस जाएंगे जाकर जब तक हमारा फैसला नहीं हो। बता दें कि लक्सर की जेके टायर फैक्ट्री के हजारों श्रमिकों द्वारा अपनी वेतन वृद्धि त्रिवर्षीय समझौते को लेकर पिछले कई दिनों से फैक्ट्री के गेट के सामने धरना देकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब आंदोलनकारी श्रमिकों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। जैसे हमारी दो शुगर चीनी मिलों की यूनियनों से हमें समर्थन मिला है, हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं और अपने सभी श्रमिक साथियों की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं। और आगे की रणनीति, जैसे हमारे बीच में दो अनुभवी लोग हैं, जो भी रणनीति होगी वो इनसे पूछ करके आगे की रणनीति अपनाई जाएगी, जैसे भी ये लोग कहेंगे, और सभी लोग एकमत होकर के एक मंच के साथ आएंगे। यूनियन ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री प्रबंधन को शासन प्रशासन की भी सह मिली हुई है, इसलिए वह टस से मस नहीं हो रहा। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने धमकी दी है कि 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वह नहीं होने देंगे। लक्सर से राम गोपाल, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।